सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एस जी और इश का जो सर्कल है उसके हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 4 में ये स्मॉल सर्कल पढ़ा था और वहाँ पे डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स के राइट साइड पे ये स्मॉल सर्कल अटैच हो रहा था जो एस जी और इश को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद हम एस जी और इश की स्ट्रोक से भी इंट्रोड्यूस हुए, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कर्व स्ट्रोक्स के किस साइड पे ये सर्कल अटैच करना है। तो चूंकि कर्व स्ट्रोक की एक ही साइड पे अंदर वाली साइड पे ये सर्कल अटैच होगा, अगर कर्व स्ट्रोक की साउंड से पहले एस जी या एश की साउंड है तो शुरू में लगेगा, अगर कर्व स्ट्रोक की साउंड के बाद एस जी या एश की साउंड है तो एंड पे अटैच हो जाएगा, और के और गे के ऊपर वाली साइड पे ये सर्कल अटैच होना है, वे और ये के लेफ्ट वाली साइड पे ये सर्कल अटैच होगा, और अगर किसी वर्ड के अंदर किसी वर्ड की आउटलाइन में सिंगल स्ट्रोक हो एस या जी की और जाहिर है वावल साउंड तो होनी है, तो हम उस सूरत में एस जी या एश की स्ट्रोक लिखेंगे और साथ वावल अटैच करेंगे, क्योंकि सर्कल के साथ वावल प्लेसेस नहीं होती, लिहाजा वहां हमारी मजबूरी है कि हम पूरी स्ट्रोक लिखेंगे। अदरवाइज जहां मजबूरी नहीं होगी वहां हम सर्कल ही यूज करेंगे फॉर सेविंग ऑफ टाइम। तो आइए बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। स्मॉल सर्कल फॉर एस जी और इश। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फेस। फेस के वर्ड में ई जो है वो साइलेंट है, एफ की स्ट्रोक, सी एस की साउंड दे रहा है, स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए वॉवल है, तो इस वजह से एफ ऑन सेकंड प्लेस और एंड पे स्मॉल सर्कल अटैच हुआ फॉर एस साउंड, और एफ के आफ्टर साइड पे वावल हैवी डॉट लग गया लॉन्ग ए, ये फेस की आउटलाइन है। नेक्स्ट है शोज। एस की स्ट्रोक, एस का स्मॉल सर्कल, ओ वावल है तो सेकंड प्लेस वावल है ओ चूंकि, तो इश ऑन सेकंड प्लेस स्मॉल सर्कल, इश के आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस पे वावल ओ का हैवी डैश। नेक्स्ट वर्ड है लॉस। एल की स्ट्रोक, एस का सर्कल, शॉर्ट ओ का लाइट डैश ऑन फर्स्ट प्लेस, एल स्मॉल सर्कल अंदर वाली साइड पे अटैच हुआ और शॉर्ट ओ का लाइट डैश लॉस के लिए। नेक्स्ट नोज। के साइलेंट है, एन की स्ट्रोक, स्मॉल सर्कल, ओ वावल, एन ऑन सेकंड प्लेस उसके अंदर स्मॉल सर्कल यूज हुआ और एन के आफ्टर साइड पे हैवी डैश लॉन्ग वावल ओ का। उसके बाद है सेल्स। एस का सर्कल, एल फिर एंड पे स्मॉल सर्कल जी के लिए और एल के बिफोर पे वावल लॉन्ग ए का सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट सेल्स। नेक्स्ट है संडे। संडे में एस का सर्कल, एन की स्ट्रोक, डी की स्ट्रोक, शॉर्ट यू वावल, एंड पे वावल लॉन्ग ए, तो एस का स्मॉल सर्कल, एन की स्ट्रोक, डी ऑन सेकंड प्लेस, एन के बिफोर साइड पे शॉर्ट यू का लाइट डैश सेकंड प्लेस पे और डी के आफ्टर साइड पे वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट। और चूंकि संडे प्रॉपर नाउन है तो हम इस आउटलाइन के नीचे प्रॉपर नाउन का साइन शो करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैसेज। मैसेज में एम की स्ट्रोक, एस का सर्कल, जे की स्ट्रोक, ई साइलेंट है। मैसेज में पहला वावल जो है वो शॉर्ट ई सेकंड प्लेस का है और इसको आप नोट करें कि जो एस के बाद ए आ रहा है वो भी शॉर्ट ई की साउंड दे रहा है,
इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मैसेज नहीं है, बल्कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है मैसेज। तो एस के बाद वाला ए भी शॉर्ट ई की साउंड दे रहा है, तो चूंकि फर्स्ट वाला जो वावल है इस वर्ड में वो सेकंड प्लेस है, तो एम की स्ट्रोक, एस का सर्कल, जे ऑन सेकंड प्लेस, एम के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई का लाइट डॉट और जे के बिफोर साइड पे भी शॉर्ट ई का लाइट डॉट, मैसेज। नेक्स्ट, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे हम सर्कल को अटैच करेंगे? हमारे पास वर्ड है सिटी, सिटी में एस का सर्कल लगेगा, टी की स्ट्रोक, टी से पहले भी शॉर्ट आई वावल, और आपको पता है लास्ट जो वाई होता है वो भी शॉर्ट आई की साउंड देता है, तो थर्ड प्लेस वावल है तो सर्कल, और थर्ड प्लेस वावल की वजह से टी थर्ड प्लेस पे, टी के बिफोर साइड पे थर्ड प्लेस पे भी शॉर्ट आई का लाइट डॉट और आफ्टर साइड पे भी शॉर्ट आई का लाइट डॉट, सिटी। उसके बाद सच, एस का सर्कल, जे शॉर्ट यू वावल सेकंड प्लेस, तो एस का सर्कल लिखा और जे ऑन सेकंड प्लेस, जे के बिफोर पे शॉर्ट यू का लाइट डैश, सच की आउटलाइन। लेडीज, एल डी, एस का सर्कल, फर्स्ट वावल सेकंड प्लेस, सेकंड वावल लॉन्ग ई का, फर्स्ट वावल चूंकि सेकंड प्लेस है सो हम एल लिखेंगे ऑन सेकंड प्लेस, डी, डी के राइट साइड पे हमने जी का स्मॉल सर्कल अटैच किया, वावल ए एल के आफ्टर साइड पे हैवी डॉट और डी के आफ्टर साइड पे लॉन्ग ई का हैवी डॉट, लेडीज। नेक्स्ट फॉक्स है, फॉक्स में एल साइलेंट है, एफ की स्ट्रोक, के की स्ट्रोक, एस का सर्कल, ओ वावल है फॉक्स, सेकंड प्लेस वावल की वजह से एफ ऑन सेकंड प्लेस, के, के की ऊपर वाली साइड पे स्मॉल सर्कल अटैच हुआ, एफ के आफ्टर साइड पे वावल लॉन्ग ओ का हैवी डैश, फॉक्स। वेज, वे स्मॉल सर्कल, ए वावल, वे ऑन सेकंड प्लेस, लेफ्ट साइड पे स्मॉल सर्कल यूज हुआ और वे के आफ्टर साइड पे वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डेस्क, अगर दो स्ट्रोक्स के दरमियान में सर्कल की साउंड हो तो हम आउट ऑफ एंगल सर्कल राइट करेंगे, डेस्क, डी, एस का सर्कल और के, डी के आफ्टर पे सेकंड प्लेस पे शॉर्ट आई का लाइट डॉट, डेस्क। इसी तरह विजिट है, वी ऑन थर्ड प्लेस क्योंकि शॉर्ट आई थर्ड प्लेस वावल है, जी का सर्कल और टी, वी के आफ्टर साइड पे थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट शॉर्ट आई का और टी के बिफोर साइड पे भी शॉर्ट आई वावल का लाइट डॉट, विजिट। आउट ऑफ एंगल सर्कल यूज हो रहा है दो स्ट्रोक्स के बीच में। उसके बाद 60 है, एस का सर्कल, के, फिर एस का सर्कल और टी, के बिफोर साइड पे थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट शॉर्ट आई का और एंड पे भी शॉर्ट आई का लाइट डॉट, टी के आफ्टर साइड पे थर्ड प्लेस पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑपोजिट, पी, एस का सर्कल, टी, पी के बिफोर पे शॉर्ट ओ का लाइट डैश, पी के आफ्टर पे ओ का हैवी डैश और टी के बिफोर पे शॉर्ट आई का लाइट डॉट, ये अपोजिट में लास्ट ई जो है ये साइलेंट है, अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है कैपेसिटी, के, पी, स्मॉल सर्कल और टी, के आफ्टर पे शॉर्ट ए का लाइट डॉट, पी के आफ्टर पे फर्स्ट प्लेस पे शॉर्ट ए का लाइट डॉट और टी के बिफोर पे भी थर्ड प्लेस पे शॉर्ट आई का लाइट डॉट और आफ्टर पे भी शॉर्ट आई का लाइट डॉट, कैपेसिटी।